दावा किया जा रहा है कि 2006 के बाद मंडियों को समाप्त करने के बाद, बाजार समिति को समाप्त करने के बाद किसानों के भीतर खुशहाली आ गई है, ये वैसा ही झूठ है जैसा झूठ यह बोला गया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, सबके अच्छे दिन आएंगे, ये वैसा ही सफ़ेद झूठ है। बिहार में भी किसानों की हालत खराब है और किसी भी फसल की खरीद MSP पे नहीं होती है। आप मुझे बताइए कि किसान जो इतना मेहनती कौम है, क्या उसको कोई भड़का सकता है? जो किसान बैलों को काबू में कर लेते हैं, भड़के हुए बैलों को, उनको कोई भड़का सकता है? कन्हैया, आपने इस बीच जो बाजार समितियों को खत्म करने की बात और उस पर उसके फायदे की बात जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने गिनवाई है अभी बीते ही रोज, वो आपने सुना क्या? ये गलत दावा है, हमने सुना और मैंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट जो है तमाम लोगों को देखना चाहिए। हमने एक किताब का रेफरेंस दिया है कि एक घुमंतू पत्रकार हैं आप ही की तरह, उन्होंने रुकतापुर नाम से किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि यह जो दावा किया जा रहा है कि 2006 के बाद मंडियों को समाप्त करने के बाद, बाजार समिति को समाप्त करने के बाद किसानों के भीतर खुशहाली आ गई है, ये वैसा ही झूठ है जैसा झूठ यह बोला गया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुँच जाएगा, सबके अच्छे दिन आएंगे, ये वैसा ही सफ़ेद झूठ है। बिहार में भी किसानों की हालत खराब है और किसी भी फसल की खरीद MSP पे नहीं होती है, यही हकीकत है। प्रधानमंत्री जब बनारस गए थे तो वहाँ उन्होंने भाषण दिया, बोला कि विपक्ष का वितंडा है, जो चीज हुई ही नहीं है उस चीज के लिए लोगों को डराना, लोगों को भड़काना, यह विपक्ष का काम है। देखिए, एक बात तो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इनका ही अकिल चौवा निकला है, कहते हैं कि अकल का एक दांत निकलता है, तो इनको लगता है कि इनका ही सिर्फ अकल का दांत निकला है, बाकी सब तो देश में बेवकूफ हैं। आप मुझे बताइए कि किसान जो इतना मेहनती कौम है, क्या उसको कोई भड़का सकता है? जो किसान बैलों को काबू में कर लेते हैं, भड़के हुए बैलों को, उनको कोई भड़का सकता है? जो हमारा पेट पालते हैं उनको कोई बड़गला सकता है? ये एक जो बुनियादी आंदोलन है, उस बुनियादी आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, और ये विपक्ष को फालतू में क्रेडिट दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन है, और बतौर नागरिक, बतौर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, इस आंदोलन में हम बस शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इसका पूरा नेतृत्व किसानों के हाथ। आज के बाद क्या? देखिए, आज हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ है, किसान संगठन जल्द ही इस पर बैठेंगे, और हमको लगता है कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के किसान भी दिल्ली कूच करने का फैसला लेंगे। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हो रहा है पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जो है यह आप साफ तौर पर ये विजुअल्स जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, और यह तमाम अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया डाक बंगला चौराहे पर।